बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्रेश टिप्स एंड ट्रिक्स। वेलकम करता हूँ एक नई वीडियो के साथ। वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आप फोटोशॉप में फ़िल्टर कैसे ऐड करोगे ताकि आप कोई भी तस्वीर उससे साफ करें और ठीक करें। ठीक है, हम आपको फ़िल्टर के तरीका बताएंगे पहला, लेकिन वीडियो से पहले एक छोटा सा गुजर कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ साथ बिल का आइकन भी दबाएं ताकि आपसे लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो। बिना टाइम में हम चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला आप जो भी फिल्टर आपके साथ पड़े हुए हैं उस जगह पर जाओ। हमारे पास यहाँ पर पड़ा है फोटोशॉप फिल्टर्स। ठीक है, यहाँ पर फिल्टर पड़ा हुआ है, हमने ओपन किया। हमारे पास ये फिल्टर हैं, हम उसको कॉपी करते हैं डेस्कटॉप पर। ठीक है, हमने इसको कॉपी किया। फिर आप यहाँ मैं एडोब फोटोशॉप पर राइट क्लिक करें, फिर प्रॉपर्टी पर क्लिक करें। प्रॉपर्टी पर क्लिक करने के बाद ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक करें, फिर यहाँ प्लग इन पर क्लिक करें, फिर यहाँ फिल्टर्स पर क्लिक करें, और यहाँ से जो आपने इसकी कॉपी ले लें और यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पेस्ट करें। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये उसमें ऐड किया। ठीक है, ये ऐड करने का तरीका है, हम आपको शो करते हैं कि ये कहाँ पर आ गया है। ठीक है, हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, ये ओपन हो गया। हम इसको एक पिक्चर ऐड करते हैं। ठीक है, हमने ये पिक्चर ले लिया और यहाँ फिल्टर पर आ जाए, और यह जो भी जो फिल्टर मैंने इसको इसमें ऐड किए फिल्टर में, तो यहाँ पर आ गया है। यह हम इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, इसको हटा दे, फिर यहाँ पर आ जाइए और यहाँ से तस्वीर ले लें। हम इसको एक दूसरा तस्वीर डाल दे। ठीक है, हम इसको ये तस्वीर डाल दें। ठीक है, इस पर हम फिल्टर अप्लाई करते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करें तो हमारे पास आ गया। ठीक है दोस्तों, इसको देखो, हमें फिल्टर करने के बाद यहाँ पर इसका जो डिज़ाइन है ना वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका तरीका है फिल्टर इस्तेमाल करने का। मैंने आपको फ़िल्टर ऐड करने का तरीका सिखाया और इसी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।